नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दिनेश कुमार। दोस्तों, एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूँ हमारे YouTube चैनल पर, जहाँ पर आप ऑनलाइन अर्निंग के बारे में और क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग के बारे में सीख सकते हैं और ऑनलाइन में आने वाली बहुत सी समस्याओं के समाधान भी आपको हमारे चैनल पर मिल जाते हैं। दोस्तों, इस वीडियो के दौरान हम बात करेंगे कि अगर आप अपने यूनिकॉर्न वॉलेट से अपना बिटकॉइन नोवा एक्सचेंज के ऊपर भेजना चाहते हैं यानी कि ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो वो कैसे कर पाएंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप ऑनलाइन अर्निंग के बारे में या क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग के बारे में ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तब आपको करना क्या होगा। जैसे आप हमारे यूट्यूब चैनल पर आते हैं, यहाँ पर एक बटन मिलेगा आपको प्लेलिस्ट का, इस प्लेलिस्ट के बटन पर आप क्लिक कर दीजिए। जैसे ही यहाँ पर आप क्लिक करेंगे आपके सामने अलग अलग प्लेलिस्ट खुल जाएंगी, वहाँ पर आप ऑनलाइन अर्निंग के बारे में और क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग के बारे में सीख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं कि आप यूनिकॉर्न से अपना बिटकॉइन जो है नोवा एक्सचेंज के ऊपर कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। सबसे पहले आप अपने नोवा एक्सचेंज का अकाउंट में लॉग इन हो जाइए। लॉग इन होने के बाद ऊपर की साइड में एक बटन मिलेगा आपको वॉलेट का, यहाँ पर आप क्लिक करिए। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आपके सामने एक ड्रॉप डाउन मेनू खुलेगा और यहाँ पर पहला ऑप्शन है बैलेंस का, यहाँ पर आप क्लिक कर दीजिए। जैसे आप बैलेंस पर क्लिक करते हैं दोस्तों, आपके सामने इसका इंटरफेस चेंज हो जाता है और आपके सामने ये इस तरह से एक पेज दिखाई देगा और यहाँ पर आपके जितने भी बैलेंस होंगे यानी कि जिस कॉइन के अंदर जितना आपका बैलेंस पड़ा होगा वो सब आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर आप पहली बार आ रहे हैं दोस्तों तो कुछ इस तरह से इंटरफेस होगा। आप यहाँ पर अपना बिटकॉइन वॉलेट जो है यानी कि BTC वॉलेट जो है इस फिल्टर के बॉक्स के अंदर टाइप करके सर्च कर सकते हैं। यहाँ पर मैं टाइप कर देता हूँ BTC। जैसे हम यहाँ पर BTC टाइप करेंगे, सबसे ऊपर आप देख सकते हैं बिटकॉइन का जो वॉलेट है वो आ चुका है और यहाँ पर बटन है दो, एक प्लस का एक माइनस का, आप यहाँ पर प्लस पर क्लिक कर दीजिए। जैसे आप प्लस पर क्लिक करते हैं दोस्तों, इस तरह से आपके सामने ये पेज खुल जाता है, यहाँ पर आपका जो बिटकॉइन एड्रेस है वो आपको शो हो जाएगा। अगर आप पहली बार क्लिक कर रहे हैं यहाँ पर दोस्तों, पहली बार आप डिपॉजिट करना चाहते हैं तो यहाँ पर एक बटन मिलेगा आपको रेड कलर में, लिखा होगा जनरेट न्यू एड्रेस। आप जनरेट न्यू एड्रेस पर क्लिक करेंगे तो फिर इस तरह से इसका इंटरफेस आएगा और इस एड्रेस को जो है आप कॉपी कर लीजिए। आपको बता दूं दोस्तों, ये आपका नोवा एक्सचेंज का बिटकॉइन वॉलेट एड्रेस है जो कि रिसीविंग बिटकॉइन वॉलेट एड्रेस होता है। इसको आप किसी भी ट्रेडर को दे सकते हैं जहाँ से आप बिटकॉइन मंगवाना चाहते हैं या किसी वॉलेट से आप ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, कहीं से भी आप इस एड्रेस पर बिटकॉइन मंगवा सकते हैं और आपका बिटकॉइन जो है आपके नोवा एक्सचेंज के अकाउंट में डिपॉजिट हो जाएगा दोस्तों। तो हम यहाँ से इसको कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद हम चलेंगे अपना यूनिकॉर्न वॉलेट के अंदर। आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से यूनिकॉर्न वॉलेट का डैशबोर्ड होता है और यहाँ पर नीचे की साइड जब हम जाएंगे तो बिटकॉइन वाले सेक्शन के नीचे आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो बिटकॉइन बैलेंस पड़ा हुआ है, ये इतना बैलेंस जो है मैं इसको डिपॉजिट करने वाला हूँ नोवा एक्सचेंज के अंदर यानी कि यहाँ से ट्रांसफ़र करने वाला हूँ। तब यहाँ पर ये जो इसका डैशबोर्ड है पूरा बिटकॉइन वाला सेक्शन जो है, यहाँ पर एक बटन है सेंड विड्रॉल बिटकॉइन का, यहाँ पर आप क्लिक कर दीजिए। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करते हैं कुछ इस तरह से आपके सामने एक पॉपअप खुलता है और यहाँ पर आप देखें ईमेल, एंटर एन ईमेल और बिटकॉइन एड्रेस, इस बॉक्स में आप अपना जो बिटकॉइन एड्रेस आपने कॉपी किया नोवा एक्सचेंज का वो यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए। मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया और इस ऊपर चेक जरूर कर लें क्योंकि अगर ये कुछ भी मिस हुआ या कोई भी एक अक्षर छूटा तो आपका बिटकॉइन जो है वेस्ट हो सकता है या गलत जगह पर जा सकता है दोस्तों। तो इसको हम चेक कर ले, एड्रेस जो है बिल्कुल ठीक है हमारे हिसाब से और जो अमाउंट हम भेजना चाह रहे हैं वो यहाँ पर हम टाइप कर देते हैं। तो मैं यहाँ पर टाइप कर देता हूँ जितना मेरे पास अमाउंट है, कुछ फीस लगने वाली है तो 0.014 डालने वाला हूँ और शायद इतना ट्रांसफ़र हो सकता है यहाँ से, और यहाँ पर सिंपली सेंड मनी पर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर सेंड मनी पर क्लिक करने पे एक मैसेज आ रहा है कि आपका जो अमाउंट है वो थोड़ा आपको कम करके भेजना पड़ेगा क्योंकि कुछ यूनिकॉइन की फ़ीस भी है यहाँ पर। तो यहाँ पर INR में भी हम टाइप कर सकते हैं, यहाँ से इसको कुछ रिड्यूस या माइनस भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैं 4200 है तो मैं यहाँ पर 4100
और यहाँ पर जो है बिटकॉइन की फॉर्म में ऑटोमेटिकली कम हो गया है। और फिर सेंड मनी पर हम क्लिक कर देते हैं। सेंड मनी पर क्लिक करेंगे कुछ ऑप्शन और खुल जाएगा, यानी कि एक पॉपअप और खुलेगा। अभी हमने अपने मोबाइल के अंदर टू फैक्टर लगा रखा है, जो टू फैक्टर कोड चलता है वो टू फैक्टर का कोड मैं इसके अंदर डाल देता हूँ। अगर आपको इसके बारे में नहीं पता तो आप पिछले वीडियो देख सकते हैं हमारे, या प्लेलिस्ट में विजिट करेंगे यूनोकॉइन की प्लेलिस्ट या पेमेंट गेटवे की प्लेलिस्ट मिलेगी आपको। या टू फैक्टर के लिए, या टू फैक्टर से रिलेटिव हमने बहुत सारे वीडियो और भी बना रखे हैं अलग अलग कंपनी को लेकर के, आप देखेंगे लगभग प्रोसेस सेम ही होती है। आप उसको विजिट करके, उसको वॉच करके आप अपना टू फैक्टर जो है एक्टिवेट कर सकते हैं। तो अभी जो हमारे मोबाइल के अंदर जो है टू फैक्टर यानी कि गूगल ऑथेंटिकेटर के अंदर जो टू फैक्टर अभी चल रहा है, जो कोड आ रहा है वो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। और कोड डालने के बाद जो है सिंपली यहाँ पर डन पर क्लिक कर देते हैं। और इस तरह से आपके सामने एक मैसेज आ जाता है, यहाँ पर देख सकते हैं योर ट्रांजेक्शन इज सबमिटेड फॉर प्रोसेसिंग, और यहाँ पर आप ओके पर क्लिक। अब आपकी तरफ से जो है पेमेंट हो चुकी है दोस्तों, और थोड़ी देर में दोस्तों यहाँ से जो है ये पेमेंट अप्रूव हो जाएगी। अप्रूव होने के बाद दोस्तों आप जानते हैं बिटकॉइन की जो कंफर्मेशन होती है, यानी कि 6 कंफर्मेशन होती है, और 6 कंफर्मेशन का जो टाइमिंग होता है दोस्तों 15 मिनट से लेकर 2 घंटे या 4 घंटे भी लग सकते हैं। जैसे कंफर्मेशन कंप्लीट होती है 6, आपके जो नोवा एक्सचेंज का अकाउंट है दोस्तों वहाँ पर आपका बिटकॉइन जो है डिपॉजिट कर दिया जाता है। फिर आप अपनी बिटकॉइन को जो है ट्रेडिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो के दौरान आपने जाना कि आप अपने यूनोकॉइन अकाउंट से अपने नोवा एक्सचेंज के ऊपर कैसे जो है अपनी बिटकॉइन ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इससे रिलेटिव कुछ और भी जानकारी अगर आप चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं दोस्तों। हम जल्द से जल्द आपके टॉपिक के ऊपर या आपके क्वेश्चन या क्वेरी के ऊपर दोस्तों वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। बस आप बने रहिए हमारे साथ। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं, ताकि ऑनलाइन में अर्निंग से रिलेटिव जो अपॉर्चुनिटी हम आपके लिए लेकर आते हैं या जो अपडेट वगैरह हम आपके लिए लेकर आते हैं उनकी नोटिफिकेशन आप अपनी ईमेल में पा सकें, और किसी बड़ी अपॉर्चुनिटी या अपडेट को मिस ना कर सकें और ऑनलाइन में अर्निंग का फायदा उठा सकें। तो दोस्तों मिलेंगे फिर अगले वीडियो में किसी अच्छी न्यूज़ अपडेट या किसी अच्छे प्रोग्राम के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।